संभल ज्वाइंट्स ग्रुप ऑफ नारी जागृति ने लगाया नेत्र जांच शिविर। इंस्टीट्यूट के सहयोग से आर्य समाज संभल में एक नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर का शुभारंभ अध्यक्ष प्राची गुप्ता, जिसमें प्रभारी डॉक्टर निधि त्यागी रहीं। संभल नारी जागृति संस्थान की ओर से गरीब लोगों को मुफ्त चश्मे भी उपलब्ध कराए गए। शिविर में महिलाओं द्वारा नेत्रदान कराने का भी संकल्प लिया गया। सीएल गुप्ता आई चेकअप करने मुरादाबाद से टीम द्वारा बताया गया कि नेत्रदान करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। अध्यक्षता प्राची गुप्ता द्वारा बताया गया कि हम निरंतर सामाजिक कार्य करते रहेंगे व क्रियाशील रहकर गरीबों निर्धनों की सहायता सदैव तत्पर रहेंगे। हम अपनी संस्था नारी जागृति संभल की ओर से सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट के सहयोग से हमने निशुल्क एक शिविर का आयोजन किया है, जो कि आर्य समाज में आयोजित किया गया है और गरीब एवं निर्धन लोगों की सहायता के लिए किया है। ये हमने निशुल्क शिविर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, महिलाएं होती हैं, जो बाहर जाकर कराने में उनको दिखाने में परेशानी होती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए आज हमने निशुल्क यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया है और इसमें आज कम से कम 300 मरीजों का नेत्र परीक्षण हुआ है। शिविर में लगा 250 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया। प्राची गुप्ता तिवारी द्वारा पूरे ग्रुप की ओर से स्मृति चिन्ह व धन्यवाद प्रशासनीय पत्र देकर सम्मानित किया गया एवं उनके द्वारा दी गई सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। उत्तर प्रदेश के संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई।